हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग आज के स्टूडियो में क्रिप्टो मार्केट की जितनी भी मेजर न्यूज़ है फिलहाल के टाइम पर उसे हम लोग देखने वाले हैं तो चलो फ्रेंड सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को कि मार्केट का सेंटीमेंट आज के दिन अभी फिलहाल कैसा चल रहा है तो फ्रेंड्स अगर बात करें सेंटीमेंट मतलब कि फ्री फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये थर्टीन पर है कल दिन के दिन की बात करें तो ये लगभग ग्यारह पर थी तो इससे बहुत बेटर तो नहीं बोलेंगे बट चलो अगर मीटर में कंपेरिजन किया जाए तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक होते हुए दिखा है बट इसको पूरा ठीक अभी नहीं मानेंगे क्योंकि जब तक मार्केट मार्केट में अप साइड में कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा अभी तो मार्केट ठीक है थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रही है लेकिन और ज्यादा थोड़ा ऊपर बिटकॉइन चढ़े अल्टकॉइन और ज्यादा चढ़ जाए थोड़ा और ज़्यादा रिकवरी हो जाए तो ये जो सेंटीमेंट है यहाँ से फिर से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा मतलब फिर से जो एक फियर का लेवल है मार्केट से वो धीरे धीरे खत्म होते दिखेगा तो चलो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है मार्केट में पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज पर क्योंकि अभी तो मार्केट बहुत ही ज्यादा वीक चल रही है अभी इस टाइम में अगर कोई भी छोटा मतलब छोटा नहीं बट कोई भी उस तरह का अगर निगेटिव न्यूज फिर से आ जाती है तो फिर तुरंत यहाँ पे सेलअप शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी लोग

और अगर ओवरऑल मार्केट कैप की बात कर ले हम लोग पूरे क्रिप्टो करेंसी का तो वो 1.61 ट्रिलियन पे फिर से देखने को मिल रहा है जो कि आपको लगभग परसों के डेट में देखने को मिली थी तो अभी इस कंडीशन में जो मार्केट अभी चल रहा है या जिस तरह से ये देखने को मिल रही है मार्केट कैप वगैरह तो इससे आप समझ सकते हो कि मार्केट का कंडीशन बहुत ही अच्छा अभी नहीं है और इसे हम लोग एक स्टेबल जोन में फ़िलहाल के लिए मानेंगे ये टेम्प्रोरी बेसिस है अब यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाता है या फिर से यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिलती है और अगेन से मार्केट नीचे ड्रॉप होती है ये सब कुछ जो होगी वो सामने आएगी दिन पता चल जाएगा तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करें अगर आज के दिन की जो भी मेजर अपडेट्स है जितनी भी न्यूज़ है तो उसे फ्रेंड्स एक एक करके देख के उसे समझ लेते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इस वाले न्यूज़ की अगर कर बात करें तो ये न्यूज वैसे ऑलरेडी आपको पता है बट इसमें फिर से थोड़ी सी नई अपडेट आए सो थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि क्रिप्टो डॉट कॉम पर जैसे कि आपको पता है कि लगभग 483 यूजर्स के अकाउंट को हैक करके और ये जो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है थर्टी मिलियन डॉलर इतना जो है जो अमाउंट है उनसे चोरी कर लिया गया मतलब हैक कर लिया गया उनसे ले लिया गया जिसमें कि आपको कुछ बीटे बिटकवाइन के जरिए लिया गया मतलब बिटकॉइन का टोकन क्वाइन से कुछ इथेरियम कॉइन से और अदर करेंसी से भी कुछ कुछ ली गई लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नई जो प्रॉब्लम आई है वो वही है फ्रेंड्स कि ये लोग जो है अपने अकाउंट पर अब एक्सेस नहीं कर पा रहे मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे जैसे कि आप लोग जिस जिस एक्सचेंज पर अभी मान लो ट्रेड करते हो तो उसमें मान लो आपके साथ अगर बाई द वे हैक हो जाती है तो आप उसमें फिर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो यही वाली प्रॉब्लम आ रही है एसएस अकाउंट का मतलब ये है कि ये लोग उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे तो ये लोग सोशल साइट्स के जरिए हेल्प लेकर मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैसेज कर रहे हैं बहुत तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि इनको इसमें हेल्प किया जाए इन लोग के साथ जो भी हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा पैसा किसी का साफ नहीं हुआ है कुछ कुछ अमाउंट सबका गायब किया गया फोर्टी थ्री अकाउंट से और बाकी कुछ कुछ अमाउंट ये लोग का बचा हुआ है लेकिन अगर लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे तो अकाउंट में पैसा रहेगा भी क्या काम का तो यही वाली प्रॉब्लम फ्रेंड्स आ रही है जिसपे क्रिप्टो डॉट कॉम के जो सी हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया था और उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया था फ्रेंड्स उसे हम लोग देखते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही बातें कही है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू टू सोशल मीडिया टू कंप्लेट एट दे कुड नॉट गेट बैक इन टू देर अकाउंट्स कि वो जो अपने अकाउंट में वापस नहीं आ पा रहे हैं और वो बेगिंग फॉर हेल्प मतलब कि वो हेल्प मांग रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए ताकि वो अपने अकाउंट में फिर से री लॉग इन कर सकें और फिर से एस वगैरह कर सकें तो यहाँ फ्रेंड्स जो सी ई ओ हैं उन्होंने क्या कहा तो देखो यहाँ पर फाइनली उनका ट्वीट आया है कि वो कह रहे हैं कि आप जो है अपना जो अकाउंट में रॉन्ग ईमेल डाल रहे हैं उस कारण से नहीं हो रहा मतलब इनका कहना है कि हंड्रेड में से नाइन्टी फाइव के एसेज ऐसी हो रही हैं कि आपका जो ईमेल है ना वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है और एक मोबाइल नंबर से मतलब एक ही ईमेल सही डालने पर होगा अगर कोई भी ईमेल गलत होती है तो फिर वो क्या कहते हैं एसेस नहीं देगा इस तरह से इन्होंने ये बातें कही हैं तो इस तरह से लोगों को ये प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने बोली आप देख सकते हो कि वी डोंट अलाउ डुप्लीकेट अकाउंट्स विद द सेम फोन नंबर जैसे एक ही फ़ोन नंबर से जो इनका ओरिजिनल अकाउंट था वो इनका कहना है कि आप लोग लॉग नहीं कर पा रहे हो अकाउंट अब या तो हैकर ने इनका ई या तो चेंज कर दिया या जो भी प्रॉब्लम देखने को मिली है तो इस तरह का भी ये प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करने को मिल रहा है कि ये लोग लॉग नहीं कर पा रहे और इनका ये कहना है कि आप लोग अपना अकाउंट जो है ईमेल वो गलत डाल रहे हैं इस तरह से भी यहाँ पे लोचा थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आगे जो भी फर्दर अपडेट होती है यहाँ पे हम लोग फिर से इस पर बात करेंगे बस अभी के लिए फिलहाल इस न्यूज में इतना ही अब चलते हैं बाकी जो न्यूज़ है उसे देखते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इस वाले अगर न्यूज़ को हम लोग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि यू बी एस वार्नस ऑफ क्रिप्टो विंटर अमिड एक्सपेक्टेशन ऑफ फेड रेट हाइक्स एंड रेगुलेशन तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि यू बी एस जो है ये एक बैंक है और जिसने वार्न किया है क्रिप्टो विंटर का मतलब कि जैसे कि अभी के टाइम में विंटर सेसन मतलब विंटर का समय भी चल रहा है तो वही इनका कहना है कि जो इनका एक्सपेक्टेशन है उम्मीद है ये ये कह रहे हैं ना कि जैसे कि ये क्रैश हुआ या मार्केट जो डाउन चल रहा है क्रिप्टो का थी इनका ये कहना है कि ये बहुत समय तक रिकवरी नहीं कर पाएगी और उसका कुछ इन्होंने सेवरल सा रीज़न बताया कुछ रीज़न बताए हैं जिसमें एक तो इन्हें इन्फ्लेशन बताया है जैसा कि जो हाई चल रहा है फेडरल रिजर्व का रेट हाइक है इस तरह से दो तीन इन्होंने पॉइंट को इंक्लूड करते हुए ये बात को है तो चलो एक एक बार इसे ओपन करके क्विक हल्का सा देख लेते हैं कि अंदर में कुछ पॉइंट वगैरह मिल जाए तो तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि एक बैंक है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यू जो है स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट बैंक है और इन्होंने यही वार्न कहा कि, सॉरी किया कि क्रिप्टो विंटर जो है उसका जो प्राइसेज जैसे क्रैश हुआ है तो वो रिकवर नहीं कर सकता है ईयर्स मतलब कुछ सालों तक इनका ऐसा मानना है तो ये कौन बोला था बैंक के एनालिस्ट जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया और सेवरल मेजर रीजन एफेक्टिंग द प्राइस ऑफ क्रिप्टोकरेंसी मतलब जो बहुत सारे रीजन है जो क्रिप्टोकरेंसी के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं उनको इन्होंने इसमें अपने जो भी यहाँ पे आर्टिकल अगर पढ़ने को मिलता है तो इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है तो फ्रेंड्स उसे मैं अब क्या करता हूँ कि एक एक करके जो मेन मेन चीज़ उससे मैं देख लेता हूँ और फिर मैं आपको तुरंत बता देता हूँ उससे बेनिफिट ये हो जाती है फ्रेंड्स की वीडियो जो होती है काफ़ी शॉर्ट होती है और मेन मेन जो बात आपको जानने की है वो आपको मिल जाती है नहीं तो ऐसे में आपके सामने ही पूरा का पूरा आर्टिकल में जो मेन मेन पॉइंट हम लोग तो को जानने की उसे अगर ढूंढने चलूँ तो फिर फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो कोई पूरी देखी गई भी नहीं तो इसी तरह से टाइम वगैरह सबके लिए सही है मेरे लिए भी आपके लिए भी टाइम बचाना तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं फिर तो फ्रेंड्स इस वाले में यहाँ पे पढ़ने को मिला कि जैसे कि जो यू बी है उनका कहना यह है कि जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट जो कि हाईक मतलब बढ़ रहा है उस कारण से जो अपील और करेंसी मतलब यहाँ पे कहना का मतलब ये हो सकता है कि जो डिमांड है क्रिप्टोकरेंसी से रिड्यूस होते हुए देखा जाएगा जैसे कि बिटकॉइन को बहुत सारे इन्वेस्टर किस नजर से देखते हैं तो एसेट क्लास में देखते हैं और एक तरह से उसे गुड अल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जैसे कैसे गोल्ड को लोग स्टोर करके रखता है सालों साल से तो उसी तरह इसको भी लोग स्टोर करके क्यों रखता है कि आज के टाइम ये कम है आने वाले टाइम में इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा और उसी कारण से इसका प्राइस भी बढ़ेगा लेकिन इनका यहाँ पर यह कहना है कि जब फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट जो बढ़ जाएगा तो इसका डिमांड जो है वो घटते दिखेगा तो जब डिमांड घटते दिखेगा फ्रेंड्स तो फिर समझ रहे हो ना प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं होगी जब किसी चीज की डिमांड घटती है तो ये इनका मानना है ये इसमें जो कहा है मैं बस वही बात आपको बता रहा हूँ तो फ्रेंड्स चलते हैं थोड़ा सा नीचे और जो जो पॉइंट है जो इसको इन्होंने इंक्लूड किया जिस कारण से कम हो सकता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से यह है कि द फेड इज गोइंग टू हैव द हाइक मनी मोर टाइम्स इनका कहना है कि जो फेड है उसका जो प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है देन वाट द मार्केट एक्सपेक्ट्स जितनी भी मार्केट की उम्मीदें हैं उससे कहीं ज्यादा तो इस कारण से इनका है और यहाँ पर छोटा सा इस वाले टर्म में देखा जाए तो इन्होंने बोला है कि द फेडरल रिजर्व माइट हैव टू रेज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट मोर देन फोर टाइम्स दिस ईयर इस साल मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए जो इंटरेस्ट रेट है फेडरल रीजल का वो तो बढ़ने वाला है लेकिन वो चार गुना बढ़ने वाला है तो इस तरह के कुछ इन्होंने मेजर जो रीज़न है एक तो ये फेड वाली बात कही है उसके अलावा जब इधर इसका इंटरेस्ट रेट जब हाइक होगा तो जो इसे एज अ एसेट गुड क्लास के तौर पर स्टोर कर रहे हैं वो फिर प्राइस जब नहीं बढ़ेगी तो फिर उसका वहाँ पे एक दिक्कत देखने को मिल सकती है तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो बात कही है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप खुद से भी पढ़ सकते हो मैं एक तरह से ओवर भी आपको मैं बता दिया हूँ कि इस इस तरह से फ्रेंड्स हो सकती है उसके बाद एक लाइन जाते जाते फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से देखने को मिल रही है तो फ्रेंड्स ये है कि जैसे बिटकॉइन इज़ नॉट बेटर मनी बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटिलिटी तो इनका ये भी कहना है कि जो बिटकॉइन है इसमें जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है ना उस कारण से ये जो है एक बेटर मनी का ऑप्शन नहीं है जिस तरह से लोग इसे देख रहे हैं और इसी तरह से इनका कुछ कुछ मुद्दा है कहना है इनका अपना नजरिया है तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी वाली न्यूज़ की तरफ तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज को अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि जो बिटमेन है तो यहाँ पे है कि बिटमेन रिविल्स बिटकॉइन माइनर विथ वन नाइनटी एट टेरा हैस प्रोड्यूसज ऑलमोस्ट डबल द पावर ऑफ टू डेज टॉप मशीन्स तो अभी कहने का मतलब यह कि जितने भी माइनर मशीन है अभी के टाइम में तत्काल में जितने भी टॉप मशीन्स हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है उनसे डबल पावर ये जो है अभी के टाइम में जनरेट कर रहा है तो इन्होंने बताया कि जो हाइड्रोबिटकोन माइनर है वो वन नाइनटी एट टेरा हेज है वो प्रोड्यूस करेगा तो इस तरह से इन्होंने ये बातें जो है कही है तो इसको डिटेल्स में पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है उसके अलावा फ्रेंड्स ये एक बाइडन का यहाँ पे पढ़ सकते हो कि बीडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेरिंग टू रिलीज गवर्नमेंट वाइड क्रिप्टो स्ट्रेटेजी रिपोर्ट तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में है कि ये जो है ना अपना कुछ स्ट्रेटजी रिलीज कर रहे हैं जिसमें क्रिप्टो को भी इनको इन्होंने इनकु, इंक्लूड किया है तो उस स्ट्रेटजी में ये क्रिप्टो को रेगुलेट करने को लेकर उस पर नजर रखने को लेकर सुपरविजन के तौर पे किसी किसी तरह से जो काम है वो करेंगे रिपोर्ट के अंदर से ऐसा आ रहा है इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं बट इस वाले वीडियो में नहीं फर्दर वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग इसे कवर कर लेंगे तो फिलहाल के फ्रेंड्स इतना ही अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो, करो ताकि मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम तो टू टाइम मेरे चैनल पर अपडेट होती है आपको मिल सके साथ ही साथ क्रिप्टो क्वाइंस के भी जो अर्जेंट अपडेट्स होते हैं वो भी मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ एक बार विजिट करके जरूर मेरे चैनल को आप अच्छे से देख लो तो चलो फ्रेंड्स मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में